तो अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ। मैंने 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया और मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और उसने मुझे याद दिलाया कि कल हमें एक फ़ाइल सबमिट करनी है जो हमें 20 दिन पहले मिली थी और मैंने अभी तक नहीं लिखी। तो अब फ़ाइल लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो मैं अपनी मम्मी से लिखाऊँ, लेकिन ये काम कराना बहुत ही मुश्किल है। मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, मुझे पता है वो मेरे कहने से लिख देंगे। मैंने उनसे पहले भी बहुत काम कराया है, लेकिन मुझे पता है कि वो पक्का कोई ना कोई शर्त ज़रूर रखेंगी और जो होगी मेरे ना पढ़ने से रिलेटेड। तो मैंने सोचा है कि मैं जाके इस कैमरे को उनके रूम में रख दूँगा और फिर फटाफट चाय बना के ले जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि हमारी क्या बात होती है, और वही मेरा आज का व्लॉग होगा। तो चलते हैं वापस किचन में। खाली चाय तो ले जाऊंगा जी, फैन ले जाता हूँ साथ। मम्मा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, फोन चला रही। चाय पियोगे? ना बेटा, मेरा मन नहीं है बनाने को, गर्मी बहुत है। अरे आप बनाने की चिंता छोड़ोगे, पियो तो बताओ। ना तूने पीनी है तो मेरे लिए बना दी बस। अरे ये लो मैं बना लूंगा चाय भी। क्यों भाई, इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? अरे आप यार कैसी बात कर रहे हो, मैंने आपको कभी चाय नहीं पिलाई बना के। नहीं पर फिर भी यार, कुछ चाय पी के तो बताओ कैसी बनी आप। सब छोड़ो, आपकी एनिवर्सरी आ रही है ना, तो इसलिए चाय बना। ना, 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 नर्सरी, नर्सरी, कैसी बनी है? बहुत बढ़िया। बढ़िया चलो, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, ऐसे स्कूल के देख रही थी व्हाट्सएप पर। फ्री हो मतलब? हाँ अब तो फ्री हूँ वैसे। चलो बढ़िया। तो क्या बात है, कोई काम था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये चाय बना के लाया है, इतने प्यार से बोल रहे हैं। यार मैं आपसे प्यार से बात नहीं करता। नहीं पर कुछ ज़्यादा ही है आज। नहीं कोई कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ खास काम नहीं है, बस एक छोटा सा काम था। क्या काम था बेटा? यार मम्मी यार एक ये फाइल लिखवानी थी यार मेरे से। बेटा तू इतना बड़ा हो गया, कॉलेज में पढ़ता है। यार मम्मी आपको पता है कल ही एक फाइल लिखी है मैंने, और अभी माइनर की प्रेजेंटेशन का काम चल रहा है, और ये सर हमारे कल मैसेज कर दिया उन्होंने, और अब फाइल मांग रहे हैं, तो एक फाइल लिख दो ना यार। बेटा कितने प्रैक्टिकल है? 5 प्रैक्टिकल है बस, 5। सिर्फ 5? बस। नहीं बेटा 5 तो बहुत ज्यादा होंगे। अरे दो दो तीन तीन पेज का एक है, और डायग्राम मैं बना दूंगा यार, फाइल लिख दो यार। नहीं पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? कोई शर्त बोलो, मंजूर है मंजूर, बस आप फाइल लिख दो। पूछ तो लो कब देनी है, कितनी दिन में लिखना है। कब देनी है बेटा? कल सुबह 10 बजे से पहले देनी है। तो आपको पता है 11 बजे तक तो मेरी क्लास होती है। तो आप अभी लिख दोगे ना? क्या मैं कंप्यूटर हूँ जो मिनट में लिखा जाएगा? लिख दो ना यार प्लीज। अच्छा लिख तो दूंगी, पर तेरे को भी मेरी एक शर्त माननी है। मैं कह तो रहा हूँ मैंने मान ली, आप बोलो जो बोलो वो शर्त मंजूर है। आपको डेली डेली 2 घंटे सिंसियरली। यार मम्मी पढ़ाई की बात मत कर रहा है। नहीं 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 तो फिर ये भी ले जा, मैं क्यों लिखूं भाई? यार मम्मी 2 घंटे मेरे पास 2 घंटे होते हैं। क्यों नहीं होते? तेरे को पास ब्लॉग बनाने के लिए टाइम होता है तो 2 घंटे तू गेट का पड़ेगा। यार मम्मी एक घंटा। नो 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 नॉट एट ऑल, ले जाओ अपनी फाइल में। यार मम्मी आप लिखो ना, मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। मैं 1 घंटे से क्या होता है बेटा, तू तो किताब खोलने में ही लग जाता है 1 घंटा तो। यार मम्मी ऐसे बात कर रहा है? अच्छा आप फाइल लिखो तो सही, फिर मैं पढ़ूंगा। जेंटलमैन प्रॉमिस कर। हाँ मतलब आप लिखो तो सही है। हाँ, तो और देख ले, मैं तभी लिखूंगी अगर तू पढ़ेगा तो। हाँ मतलब आप लिखोगे फिर कल से पढ़ूंगा ना मैं। हाँ बस ठीक है। ठीक है इस चाय तो पी लो। ठीक है मम्मी, फिर आप मेरी फाइल बना दो, मैं बाहर बैठ के कॉलेज का काम करो, जब हो जाए तो बुला लेना। तो अब मम्मी बैठ के मेरी फाइल बना रही है अंदर, और मैं बाहर बैठ के करूँगा वीडियो एडिटिंग। बाय। 6.5 hours later। क्या काम कर रहे हो मम्मी? बेटा काम करा रहा है जो तू मेरे से। कितनी हो गई? अभी तो आधा लिखा है मैंने। हो जाएगी कल सुबह तक? हाँ हो ही जाएगी, रोटी तेरे पापा बना लेंगे। गुड गुड मम्मी, गुड गुड गुड।